आज मैं बात करने वाली हूँ सनस्क्रीन के बारे में। अगर आपका स्किन ऑयली है तो आपको कौन सा सनस्क्रीन लगाना है? 1, 2, 3, fuck it. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. अगर आपका स्किन बहुत ही ज़्यादा हाइपर पिगमेंटेशन है और एक्नी है आपकी स्किन में तो आपको कौन सा सनस्क्रीन लगाना है? अगर आपका स्किन ऑयली या फिर एक्नी प्रोन है तो आपको ध्यान रखना है कि जो सनस्क्रीन आप लगाते हो वो नॉन कॉमेडिजोनिक होना चाहिए। नॉन कॉमेडिजोनिक जो सनस्क्रीन होता है वो क्या होता है, ऑयली एक्नी प्रोन स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि ये स्किन की जो पोर्स होता है उसको ये क्लोज नहीं करता है, इसीलिए आपको नॉन कॉमेडिजोनिक ही सनस्क्रीन लगाना है। आप लोगों के साथ मैं दो सनस्क्रीन शेयर करने वाली हूँ, दोनों ही नॉन कॉमेडिजोनिक है जो ऑयली एक्नी प्रोन स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। पहला जो सनस्क्रीन है वो एवेन की है, ये एवेन की सनस्क्रीन है और इसमें SPF 30 है। ये नॉन कॉमेडिजोनिक सनस्क्रीन है और ये बहुत ही लाइट वेट सनस्क्रीन है। इसका जो टेक्सचर है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ये इजीली स्किन पर ये ग्लाइड हो जाता है। ये बहुत ही लाइट वेट है और ये एकदम स्किन पर ग्लाइड हो जाता है जो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि मुझे जो वाइट कास्ट रहता है स्किन पर ऐसा सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए मैं इसको ज़्यादा यूज़ करती हूँ। ये मुझे अच्छा लगता है और ये पोर्स को भी ये ब्लॉक नहीं करता है, तो ये फर्स्ट सनस्क्रीन है। सेकंड जो सनस्क्रीन है ये बायोडर्मा का है और इसमें भी SPF 30 है और ये मैटिफाइंग सनस्क्रीन है। ये कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन पीपल के लिए है। इसका जो टेक्सचर है अभी मैं आप लोग को दिखाती हूँ, ये बहुत ही वाटरी है और इसको ग्लाइड होने पर थोड़ा टाइम लगता है। मैं दोनों को ही यूज़ करती हूँ। तो गाइस ये था मेरा वीडियो, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए मेरे यूट्यूब चैनल को। बाय गाइस।